Hey everyone, I'm Veena. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I'm back with a new video, and this is the one of the single video on my channel that I'm making ring, earring and chokers too. So as usual, मैं हमेशा fabric के साथ ही play करती हूँ. So I'm back with a new idea. Like मैंने आपको पहले बताया कि मैं choker, ring and ये सब बनाने वाली हूँ. So this is a very easy video. Like आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिपीट नो माई प्रोसेस. एंड जो मैं यहाँ पे जो पैचेस बना रही हूँ आपको सारे रिपीट करने हैं. इन्हीं पैचेस को हम रेडी करके, इनको ज्वाइन करके हम रिंग, ईयरिंग एंड चोकर बनाने वाले हैं इस वीडियो की. एंड अगर इसमें इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आपको जान के बहुत ज़्यादा ऐसा सरप्राइज फील होगा कि मैंने इसके 300+ इसके मैंने रेप्लिका सेल किए हैं. यू वोंट बिलीव, कस्टमर को ये इतने लाइट वेट एंड इतने ईजी टू वेयर लगे ना कि उन्होंने बहुत सारे परचेज़ किए. लाइक मैंने जितने एग्जीबिशन में सेल किए उतने ही मैंने इनको होल सेल में भी सेल किए हैं. सो आई एम फीलिंग वेरी बैड कि मैंने ये आइडिया आपके साथ पहले क्यों नहीं शेयर किया, बिकॉज आई हैड नो टाइम टू अपलोड एंड एडिटिंग. मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है आफ्टर बिफोर नवरात्रि, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. एंड कैन सी इसका जो बांधनी प्रिंट है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड बहुत ब्राइट है. बात करेंगे इसको स्टिच करने की, तो जैसे वीडियो में देख ही रहे हो कि मैंने सारी पैचेस को रेडी करके एंड इनको स्टिच कर दिया है. स्टिच करने के बाद में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. मैंने इसको बहुत प्लेन रखा है बिकॉज मैं इसका जो ईयरिंग है वो झुमके के साथ बना बैग में. तो मैंने यहाँ पे ना बहुत लाइट वेट झुमके यूज़ किए, आपने देखा होगा. मैंने इसका जो लिंक है वो सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से मटीरियल परचेज कर सकते हो. एंड ये इतने लाइट वेट थे, यू वॉन्ट बिलीव, ये 5 ग्राम से भी कम के हैं ये सारे झुमके. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड दिवाली पे आप इसको बिल्कुल पहन सकते हो, बहुत स्टाइल कर सकते हो इसको. अब बारी आती है इसकी बैक फिनिशिंग की. तो बैक फिनिशिंग में आप सबको बताया मैं ऑलवेज नॉन वूवन फैब्रिक यूज़ करती हूँ. एंड येस, अगर आपको चोकर इतना प्लेन नहीं चाहिए, लाइक एक बॉर्डर स्टाइल में नहीं चाहिए, तो आप इसमें कुछ हैंगिंग में दे सकते हो. डोंट यूज़ कॉरी, बिकॉज कॉरी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल नवरात्रि लगता है मुझे. तो आप इसमें ना कुछ लाइक घुंघरू लगा सकते हो गोल्डन. एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट चेंज करना है तो आप सिल्वर को रिप्लेस करके आप यहाँ पे गोल्डन भी यूज़ कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट वुड बी द सेम. सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू लाइक इट. अब हम बना रहे हैं यहाँ पे रिंग का बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता रही हूँ. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रैप लिया है जिससे ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कई बार जो रिंग होती है ना ऐसे स्टिक कर देने से निकल जाता है. सो मैंने सबसे पहले उसको एक स्ट्रैप से इसको फिक्स कर दिया है. एंड फिक्स करने के बाद में हमें उसका आउटर पार्ट है वो फिनिश करना है. यू कैन सी जिस तरीके से मैंने सेंटर से इसको कट किया है वैसे ही कट करके अप्लाई हॉट ग्लू एंड येस, योर रिंग इज रेडी. लाइक ये बहुत सिंपल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है जिससे आप रिंग को बहुत ईजीली बना सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये अब बिल्कुल भी नहीं निकलेगी एंड बिल्कुल भी आपके कस्टमर की कंप्लेन नहीं आएगी कि रिंग निकल चुकी है. एंड रही बात चोकर की, तो बस अब चोकर रेडी हो चुका है, बस अब हम लगा रहे हैं इसमें डोरी. एंड डोरी के लिए आपको यहाँ पे पंचिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे खोल कर देना है. एंड यहाँ पे डोरी चेन, अगर आपको कुछ और अटैच करना है एडजस्टेबल डोरी, आप वो एडजस्ट कर सकते हो या फिर वो स्टिच कर सकते हो यहाँ पे. बट मैं यहाँ पे एक जंपरिंग यूज़ कर रही हूँ बिकॉज नो नीड टू स्टिच द डोरी, बिकॉज ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा इसका. एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग सो प्रिटी. एंड बहुत ही जल्दी मैं इसको स्टाइल करके मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू.